आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास, खासकर किसान आंदोलन के मोर्चे पर, किसान आंदोलन के मोर्चे पर सर्वोच्च अदालत का क्या कुछ रुख रहता है इसका इंतजार लगातार किया जा रहा है। और बहुत कम वक्त बचा है जब सुप्रीम कोर्ट अपना सुप्रीम आदेश सुना सकता है कृषि कानून को लेकर। थोड़ी ही देर में कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज का वक्त तय किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश सुनाने का। कल एक लंबी बहस हुई इस मुद्दे पर जिसमें अपनी अपनी दलीलें रखी गई, लेकिन आज अदालत का रुख किस तरीके का रहने जा रहा है इसका इंतजार न सिर्फ देश के किसानों को है बल्कि सरकार को भी है। आपको बता दें कि 48वां दिन है आज देश के अन्नदाता, जब दिल्ली के बॉर्डर के तमाम इलाकों में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस मांग के साथ कि जो 3 कृषि कानून हैं उनको रद्द किया जाए, उनको वापस लिया जाए। न्यूज डेस्क से किसानों ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बता दें। किसानों ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई है ये कहते हुए कि कृषि कानून रद्द करना ही इकलौता विकल्प है। आज भी दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, देखिए जरा अमृतसर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, और सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। वहीं दूसरी तरफ सरकार साफ कह चुकी है कि कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता। ऐसे में क्या कुछ समाधान निकलेगा, क्या कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, क्या वाकई कानून बरकरार रहेंगे या फिर कानूनों को रद्द करने का कोई आदेश या टिप्पणी अदालत की तरफ से सुनाई जाएगी इसका इंतजार लगातार किया जा रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी और जो आदेश आएगा वो सबसे पहले न्यूज नेशन आप तक पहुंचाएगा और उस आदेश के मतलब को भी हम आपको समझाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन पहले रुक करते हैं, हमारे सहयोगी नैना यादव हमारे साथ जुड़ रही है इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से। नैना, बहुत कम वक्त बचा है सर्वोच्च अदालत के इस फैसले में जो अब से कुछ ही देर में आ सकता है, किसानों की क्या कुछ उम्मीद है? बिल्कुल अनुराग, मैं आपको बता दूं जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है इंतजार सभी को ये हो रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है। इस समय जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर भी 46 दिनों से ज्यादा वक्त हो चुका है, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और कुछ किसान लगातार ये बता भी रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ भी वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। राकेश जी का भी हम रुख करेंगे, राकेश टिकैत जी हमारे साथ किसान नेता मौजूद है। आपसे पहले जानना चाहूंगी कि आगे की रणनीति क्या, आपको क्या लग रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट के पास में है पूरी, अब उनके ऊपर निर्णय है, क्या कहेंगे? अभी ऑर्डर आ जाने दीजिए, फिर हमारे किसान मोर्चा जो है उसको तय करेगा। और मैं तो आग्रह करूंगा सरकार से फिर से कि कानून को वापस ले ले और फिर से नया कानून बना ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसके बाद में जो भी निर्णय होगा अगर स्टे लगाया जाता है तो धरना स्थल से धरना खत्म कर दिया जाए, क्या धरना खत्म किया जाएगा? नहीं, हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जो है किसानों के पक्ष में फैसला पालेगा और ये भी उम्मीद है कि उन्हें पता है किसान परेशान है और जो कल भी जो है फैसला आया है वो किसानों के हित में ही है, कहने के आज भी जो है मुझे उम्मीद है कि पूरा किसान हित में ही फैसला आएगा। कितनी उम्मीद है आपको आज क्या होगा? देखते हैं, वैसे पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के पास में अभी एक आज आपसे कुछ देर के बाद में निर्णय आएगा, क्या कहते हैं, कितनी उम्मीद है और उसके बाद में आगे की रणनीति क्या बनाएंगे? हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी पूरी उम्मीद है कि किसान का ख्याल करते रहे, किसान पीड़ित है परेशान है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे इंसाफ का फैसला करेगा। हक की बात नहीं कर रहे, ये इंसाफ है, हमारा हक है। और आगे की रणनीति के बारे में हमारे राष्ट्रीय नेता टिकैत जी हैं, जो टिकैत साहब के आदेश हो गए हम उनके सिपाही हैं, वही हम स्वीकार करेंगे। बिल्कुल, यानी कि अनुराग आप समझिए कि यहाँ पर भी इंतजार किया जा रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है और उसके बाद में आगे की रणनीति जरूर तैयार की जाएगी। अब आज जो भी फैसला होगा क्या 26 जनवरी को भी परेड का जो आप लोगों का प्लान है वो यथावत रहेगा? वो तो जो कमेटी तय करेगी वो ही फाइनल होगा, ये किसी के हाथ में नहीं है जी। जो कमेटी हमारी फाइनल करेगी, जो कमेटी बनी हुई है वो ही फाइनल होगा जी। नैना, सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बना रही है उसका हिस्सा बनेंगे? नहीं, वो तो जो कमेटी तय करेगी तभी तो बनेंगे भाई, जो कमेटी तय करेगी। कमेटी तो, कमेटी तो को लेकर एतराज लगातार किसान संगठन जता रहे हैं। नैना, अब मैं आपका रुख करूंगा लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी नवेद इस वक्त जुड़ रहे हैं चिल्ला बॉर्डर से, साथ ही साथ मोहित बख्शी हमारे सहयोगी सिंगू बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विजय सरदाना साहब हैं, आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, लेकिन सबसे पहले नवेद, इस वक्त जो आपके साथ तमाम किसान मौजूद हैं वो किस तरीके की उम्मीद करें सर्वोच्च अदालत के फैसले से? ये सर्वोच्च अदालत का जो इस वक्त सुनवाई चल रही है उस पर पूरे किसानों की नज़र यहाँ पर बनी हुई है। अनुराग, मैं उन्हीं से जान लेता हूँ, आप ये बताइए, आ गया ये थोड़ा सा, कि सर्वोच्च अदालत में आज सुनवाई हो रही है, कल सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी, कहा था कि आपका जो रवैया है वो निराशाजनक है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि वो कमेटी बना रही है और वो ये कहती है कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, कमेटी अपना काम करेगी, आपका क्या फैसला है?
देखो हमारा फैसला ये है सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम विरोध करने को हम वापस मतलब मना नहीं कर सकते किसानों से, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि सरकार ने अब तक कमेटी क्यों नहीं बनाई है, वो बनाए, अगर कानूनों को अगर उसने स्टे नहीं किया सरकार ने तो हम स्टे कर देंगे। तो हमें आशा है कि जो लोकतंत्र में हमारा अधिकार है उसकी रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट वही 20 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकालोगे आप? निकालेंगे, वो तो रैली क्या है, रैली नहीं निकाल रहे, परेड है वो रैली तो। ये अगर सुप्रीम कोर्ट मना करती है कि आप 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली नहीं निकाल सकते, उसके बाद आपका क्या रहेगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्यों मना करेगा? सुप्रीम कोर्ट तो पहले दिन से कह रहा है कि आप प्रदर्शन के लिए स्वतंत्र हैं, तो हम प्रदर्शन तो कह रही हैं। जहां तक यहां से सुना आपने अनुराग, ये लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इन्हें उम्मीद है कि इनके पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन अगर रोकती है तो उसके बाद जो कमेटी फैसला करेगी उसके ऊपर अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। लौटूंगा मैं आपके पास, जरा सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, हर किसी को इंतजार अब सर्वोच्च अदालत के आदेश पर, कितने बजे जो सुनवाई है वो शुरू होनी है, कितने बजे तक फैसला आ सकता है, आदेश आ सकता है? देखिए अनुराग, जो कोर्ट रूम से जो अंतिम खबर मिली है उसके मुताबिक अभी केस नंबर 11 यानी केस नंबर जो 11 है उसकी सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच कर रही है, और ये मामला जो आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है वो केस नंबर 19 है। यानी मुझे लगता है कि अभी 15-20 मिनट का इंतजार और करना होगा इस मामले में कोर्ट के रुख का पता करने के लिए। एक और महत्वपूर्ण बात ये अनुराग कि जिस तरीके से मामला सूचीबद्ध किया गया है सुप्रीम कोर्ट की कोज लिस्ट में, ये उस तरीके से सीधे सीधे आदेश के लिए नहीं लगा है जैसा आमतौर पर लगता है। ऐसे में जिस तरीके से मामला लगा है उससे लगता है कि कोर्ट पहले सुनवाई करेगा फिर आदेश पास करेगा। यानी कोर्ट इस मामले में किसानों के रुख को भाप करके कि क्या वो कमेटी के गठन के लिए, कमेटी के सामने जो प्रस्तावित कमेटी है उसके सामने पेश होने के लिए तैयार है वो देखेगा। उसके अलावा ये कि क्या किसान उस जगह से जहां पर वो इस वक्त मौजूद हैं और जिसको लेकर के आवागमन के अधिकार बाधित होने की दलील दी गई है वहां से हटने के लिए तैयार हैं, और क्या वो कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त कर सकते हैं कि गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान कोई बाधित करने की कोशिश नहीं होगी, कोई ट्रैक्टर मार्च नहीं होगा जैसा कि सरकार की तरफ से आशंका जताई गई है। इन तीनों पहलुओं पर मुझे लगता है कि किसानों के रुख को जानने के बाद और आश्वस्त हो जाने के बाद कोर्ट को ऐसा अंतरिम आदेश पास करेगा जैसा कि कल संभावना जताई गई थी कि कानून के रोक पर, कानून के अमल पर अंतरिम रोक लग सकती है। यानी मुझे लगता है कि सुनवाई होगी उसके बाद कोर्ट का आदेश होगा, हालांकि पूरी तरीके से देखना होगा कि लेकिन जो कोर्ट क्या करता जो मामला है वो अगले 15 मिनट में सुनवाई के लिए शुरू हो सकता है जैसा हमारे सहयोगी अरविंद यहां पर बता रहे हैं। मोहित, सिंगू बॉर्डर इंतजार सिर्फ 15 मिनट। बिल्कुल अनुराग, हम बात ही कर लेते हैं किसानों से कि 15 मिनट से 20 मिनट का जो समय लगने वाला है उसमें उसके बाद किस तरीके की राय रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान आप लोग करते हैं कि नहीं करते, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे या ना मानेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। देखो, जैसे हमने पहले भी बोला, सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च न्यायालय अदालत है, हम उसका सम्मान करते हैं, मगर उसे भी चाहिए। हमारे किसान पिछले 3-4 महीने से एजिटेशन कर रहे हैं अब अपने स्थान पर, अब तकरीबन 1.5 महीने से ऊपर जहां दिल्ली को बैठे हो गया, हमको उसको भी चाहिए हमारा सम्मान करना। किसान हितू फैसला दे तो हम उसका सम्मान करते हैं। आप लोग बात मानेंगे सुप्रीम कोर्ट की अगर इस तरीके की स्थिति होगी? बात मानेंगे सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा न्यायालय है उसकी बात मानेंगे बाबा जी? ये सही फैसला करूंगा मानना ये जी, ठीक है। आप बताइए, आप लोग बात मानेंगे सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय है, उसके वहां से अगर बात आती है तो आप बात मानेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसानों के हक में होगा तो हम जरूर मानेंगे। आप लोगों के हक में होगा तभी मानेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट हमारी जथेबंदी वाले जो है वो मीटिंग करेंगे उस फैसले पर, फैसले के बाद उसके बाद आपको क्या लगता है हक, अगर आप ये जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसकी बात आप लोग मानने को तैयार? नहीं, जो हमारे पक्ष में होगा तो तभी मानी जाएगी ना। अजीब सी अनुराग, अजीब सी राय है कि अगर हमारे पक्ष में होगी तो ही मानी जाएगी, यानी कि न्यायालय का जो फैसला है उस पर भी हक ये कहा जा रहा, सम्मान कर रहे हैं ये कह रहे हैं, और कल की जो कमेटी जो प्रेस रिलीज थी उसमें भी ये कहा गया कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन सर्वोच्च अदालत का फैसला जो भी होगा वो मानना होगा, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना होगा। हम आप तीनों का एक बार फिर रुख करेंगे, अरविंद आपका भी रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ विजय सरदाना साहब जुड़ रहे हैं, कृषि मामलों के जानकार। विजय सरदाना साहब, शायद ही कोई मामला इससे पहले आया हो जब कोई कानून को लेकर, खासकर एग्रीकल्चर से जुड़े कानून को लेकर मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया हो। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, ऐसे में चुनौती आज के फैसले को लेकर क्या कुछ नजर आती है आने वाले वक्त में आपको?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन कॉमोडिटीज स्टेट सब्जेक्ट नहीं। बिल्कुल, जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि जब आप कॉमोडिटी ट्रेड की बात करते हो, जिस चीज को आप खाते हो वो एग्रीकल्चर नहीं है, वो कॉमोडिटी है, वो फूड प्रोडक्ट है। जो कानून है वो फूड प्रोडक्ट के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। ये डिफरेंशिएशन सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून की परिभाषा हम अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ नहीं सकते, पहली बात। अब रही बात की क्या होगा, अभी जैसे आपके सारे पत्रकारों ने कहा और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग बॉर्डर से हुई, जब उन्होंने किसान भाइयों से पूछा कि आप सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, कि हाँ जी मैं आदर करता हूं लेकिन तब तक करूंगा जब तक मेरी बात मानेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये निकल के आता है कि हमने संसद जो खुद चुनी है इस देश के नागरिकों ने, उसने कानून पास किया, हमें उसमें एतराज है, हम नहीं मानते। मुद्दा चला गया सुप्रीम कोर्ट, जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय है संविधान के हिसाब से, वहां पे सुनवाई है। अगर उसका फैसला मेरे हक में नहीं आता तो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ वही कहूंगा जो मैं चाहता हूं। तो अब ना आप कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को मानने को तैयार हो, ना आप सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार हो, और लेकिन विजय सरदाना साहब वो कह सकते हैं ना कि देखिए असहमति का हक तो है, हमें इसी संविधान ने हमें असहमति का हक दिया है। वही यार, मेरी बात पूरी होने दो, बात पूरी हो, क्लैरिटी के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी हो जी। ना मैं संसद का कानून मान रहा हूं, ना मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानूंगा अगर वो मेरे समर्थन में नहीं है, ना मैं कानून जो एग्जीक्यूटिव ने बनाया ना मैं उसको मानूंगा। तो आपके संविधान के तीन आधार हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मैं तीनों को नहीं मानता। तो सवाल अभी आता है कि क्या मैं भारत के संविधान को भी मानता हूं या नहीं? नहीं देखिए सर, ये तो हम विषयांतर हो जाएंगे, हम किसानों के न्यायपालिका और संविधान के प्रति विश्वास पर बहस नहीं कर रहे हैं, हम बहस इस बात पर कर रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून हैं उनका भविष्य क्या होना है। देश के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि देश के अन्नदाताओं के सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, तो हम विषयांतर नहीं होते हैं। मेरी गुजारिश आपसे यह है कि ये तीनों कृषि कानून, इनका भविष्य आने वाले वक्त में किस तरीके से आपको नजर आता है, क्या वाकई आपको लगता है कि किसानों के हित के हैं, या आपको लगता है कि इसमें कुछ सवाल है जिसमें बदलाव होना चाहिए? देखिए, भारत की संसद क्या अपने किसानों के खिलाफ काम करेगी? मेरे को एक बात बता दीजिए, आज की तक भी किसी भी डेमोक्रेसी में अगर किसानों के खिलाफ काम होता है तो किसानों को अधिकार है सरकार बदलने का। तो डेमोक्रेसी का पर्पस क्या है? अगर आपने कोई किसी के हित में कानून बनाया, आपको नहीं समझ में आया, आप अगले चुनाव में सरकार बदल दीजिए, यही तो अधिकार है। विजय सरदाना साहब, हम फिर विषयांतर हो रहे हैं सर, हम संविधान और संसद की बात नहीं कर रहे हैं। आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपसे सीधा सवाल तीसरी बार दोहरा रहा हूं, कृषि कानून क्या किसानों के हित में है या किसानों के हित में नहीं है? क्या संशोधन की गुंजाइश है, नजर आती है आपको आपके अनुभव के आधार पर, या कोई संशोधन की जरूरत नहीं है? मेरे हिसाब से तो कृषि कानून में एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो किसानों के खिलाफ हो। अगर उनको लगता है कि कहीं पे कोई खराबी है तो बताए कौन सी लाइन है, उस पर चर्चा हो सकती है। तो आज तक वो बता क्यों नहीं रहे कौन सी लाइन खराब है, कौन सा पैरा खराब है, कौन सा क्लॉज खराब वो है। वो कहते हैं कि देखिए आप एमएसपी को लिखकर नहीं दे रहे हैं, और जब आप एमएसपी को लिखकर नहीं देते हैं, आप बाजार में खोल देते हैं, तो इसका सीधा मतलब यह है इनडायरेक्टली कि आप जो फूड सब्सिडी पर कई लाख करोड़ रुपए खर्च करते आ रहे थे अब तक, आप एक तरीके से उसको खत्म करने की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर। ये किसानों की पहली आपत्ति है। देखिए, मेरे को एक बात बताइए, इस देश में फूड सिक्योरिटी कानून भी है, वो भी संसद ने पास किया है। जिन गरीब लोगों को आपको खाना खिलाना है वो आप कैसे खिलाएंगे? अगर आप नहीं खरीदेंगे, फूड सब्सिडी नहीं देंगे, तो गरीब आदमी खाना कैसे खाएगा? तो अगर मैं यही कह रहा हूं कि आप अगर तोड़ मरोड़ के तथ्यों को पेश करेंगे, पूरी बात नहीं समझेंगे, अपने हिसाब से हर चीज को इंटरप्रेट करेंगे, तो रास्ता नहीं निकल सकता। बिल्कुल ठीक है, तो आप करें कि इन कानूनों में कहीं पर किसी तरीके के बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, विश्वास करना चाहिए मौजूदा सरकार पर। एक बार फिर रुक करते हैं गाजीपुर बॉर्डर का, हमारी सहयोगी नैना यादव हमारे साथ है और उनके पीछे तमाम किसानों की हलचल नजर आ रही है। जी नैना,
बिल्कुल अनुराग, जो भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का अब से कुछ देर के बाद में, लेकिन किसानों की अपनी पूरी तैयारी है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना ट्रैक्टर, दरअसल ये वही ट्रैक्टर्स हैं जिनकी तैयारी है एक तरह से 26 जनवरी को परेड में शामिल होने की। और सिर्फ एक नहीं, यहाँ पे सैकड़ों की, दादाजी थोड़ा इस साइड को आ जाइए, एक नहीं यहाँ पर अगर आप गाजीपुर बॉर्डर पर देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या में आपको यहाँ पर ट्रैक्टर्स नजर आएंगे। चाहे मेरे बाएं हाथ की तरफ देखें, दाएं हाथ की तरफ देखें, ट्रैक्टर्स नजर आते हैं। आपसे जानना चाहूंगी क्या 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं आप? पूरी तैयारी है 26 जनवरी की। क्या करेंगे? परेड करेंगे, परेड में शामिल होंगे। राजपथ पर? बोट क्लब पे, जहाँ पे परेड निकलती है। लगभग लगभग कितने ट्रैक्टर होंगे दादा यहाँ जी? कितने ट्रैक्टर होंगे यहाँ? कम से कम 20,000 ट्रैक्टर होंगे। मतलब ये तो पूरी सभी सीमाओं की बात है अनुराग, लेकिन वैसे अगर जहाँ पर भी जाती है नजर वहाँ पर ऐसे ही हाल है। मैं आपको कुछ और ट्रैक्टर्स का भी दिखाती हूँ। आप लोगों ने कुछ दिन पहले यहाँ पर ट्रैक्टर मार्च निकाला और अब क्या 26 जनवरी की तैयारी है? हाँ जी, पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम तो यहाँ सारे ट्रैक्टर वहीं की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, इस पर आ जाऊं दादा, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसके आगे की रणनीति तैयार की जाएगी या फिर जो अभी आप लोगों का निर्णय है वैसे ही आप लोग रैली? जो हमारा निर्णय होगा किसान का वो निर्णय करेंगे हम पूरा। अच्छा। और झंडा फहराएंगे 26 जनवरी को जाकर पूरी तैयारी के साथ। 26 जनवरी की तैयारी क्या है, क्या करने वाले हैं? पूरे किसान जाएंगे झंडा लेके वहाँ पे, ट्रैक्टर लेके, तैयारी है पूरी चल रही है किसानों की। तो अगर आज सुप्रीम कोर्ट अगर रोक लगाता है, मना करता है कि अगर आप लोग 26 जनवरी पर ना जाएं फिर क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट क्यों रोक लगाएगा किसानों पे? अब क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है पूरी गेंद। अनुराग, ये कहा जाए कि किसानों का कहना है कि भाई वो सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, लेकिन बार बार किसान एक ही बात दोहरा रहे हैं कि उनका भी संवैधानिक अधिकार है, वो भी परेड में शामिल होना चाहते हैं 26 जनवरी को। जब पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ताकत देखती है उस राजपथ से, तो इस बार किसानों का कहना है कि उनकी भी ताकत, वो पूरी दुनिया को हिंदुस्तान को दिखाना चाहते हैं। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जगह जगह से लोग आए हैं। आगे की क्या प्लानिंग है आप लोगों की? प्लानिंग है 26 जनवरी रेड कार्पेट में ट्रैक्टर चलेंगे अपने, जो रेड कार्पेट वहाँ बिछेगी इंडिया राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक, तो ट्रैक्टर की रैली होगी वहाँ। और नए पुराने सब तरह के ट्रैक्टर होंगे, उन्होंने कहा 10 साल वाले बंद कर देंगे वो भी जाएंगे, 15 साल वाले पुराने ट्रैक्टर भी जाएंगे, नए भी जाएंगे, हर तरीके के। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहेंगे देश किसानों का है, किसानों की भी बात सुनी जाएगी, क्या हम आज़ादी के उसमें जा नहीं सकते हैं? अब तो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में ठीक है, उसका न्यायालय का सम्मान है, लेकिन फौरी टाइम को स्टे कर दे, मान लो आपको कोई परेशानी है 4 दिन को आपको रोक दिया जाए, उससे हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इन राजनेताओं के बारे में एक बात कही गई है, बड़ा गौर से सुनिएगा आप। सब सरकारें हमने देखी, देख लिए सारे नेता, मतलब के लिए तो पैर छुए फिर नहीं किसी ने मुड़ के देखा। सरकारी नीतियों के कारण जनता लुटवाई जाती है और कौन सुने आवाज तुम्हारी, बार खेत को खाती है। ठीक है, तो लेना बेहद अहम बात यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान है वो करेंगे। देखिए, हम तो ट्रैक्टर के साथ पहुंचेंगे 26 जनवरी की परेड करने के लिए, अगर जो फैसला है वो किसानों के हित में नहीं आता है। लेकिन क्या इसी तरीके की बात अभी भी सिंघू बॉर्डर पर नजर आ रही है मोहित बख्शी? देखे ये सी इन्हें सुहाती है और कौन सुन, दिखा देता हूँ ये तस्वीर देखिए, ये जो इतनी लकड़ियां पड़ी हैं, ये जो बालन आपको नजर आ रहा है अनुराग, आप हम समझते हैं ये लोहड़ी के लिए लगाया गया है स्पेशली, या इससे लोहड़ी जलाई जाएगी, लोहड़ी का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित करना है। यानी 26 से पहले की भी तैयारियां हैं, 15 तारीख को बैठक होनी है उससे पहले की भी तैयारियां हैं। आप लोग बताइए, आप लोग किस तरीके से सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट का रुख, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, लोहड़ी की भी आप लोगों ने तैयारी कर ली और 26 तारीख की भी? हमने 26 की तैयारी पूरी की हुई है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ना, वो हमारी जो भी कमेटियाँ हैं पूरी वो अपना सलाह मशवरा करेगी, उसके बाद ही हम बता सकते हैं क्या करना है। अभी आप लोगों को विश्वास है कि सरकार मानेगी आप लोगों की बात, क्योंकि अभी आप लोगों ने पहले से सारी तैयारियां करके रखी है? जी, सरकार मानेगी, आखिरकार सरकार को मानना ही पड़ेगा। हम तैयारियां कर रहे हैं, जैसे हम कल को लोहड़ी का त्यौहार है, उत्साह बढ़ रहा है हमारा, हम जैसे जो वॉलंटियर वीर है वो कल को लोहड़ी का प्रोग्राम और ऑर्गेनाइज करेंगे। आप बताइए किस तरीके की तैयारी है आप लोगों की? 13 तारीख की भी तैयारी कर ली और 26 की भी, क्या आप लोगों को यकीन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से हल निकलेगा या सरकार हल निकालेगी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी हल निकालेगी, हमारे साथ ही होगी, जैसे उन्होंने फैसला किया हुआ है, लेकिन किया है उनको भी सोचना चाहिए। 1.5 महीने से हम, हमारे बुजुर्ग हैं जो जहां बैठे हुए हैं उनको भी, और बिल्कुल मोहित, तो जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं और लेना दिखा रहे हैं उससे तस्वीर बेहद साफ है कि एक तरफ 26 जनवरी पर
ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पर लोहड़ी का जो पर्व है वो भी मनाने की तैयारी, यानी कुल मिलाकर 48 दिन बीत चुके हैं किसानों के आंदोलन के और आगे की तैयारी भी इन तस्वीरों के जरिए साफ देख सकते हैं। लेकिन इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, जिसकी सुनवाई शुरू हो चुकी है। बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी।